हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सामने आप देख सकते हो हमारे पास खड़ी है वर्टस और वरना। वरना है अपनी टर्बो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, वर्टस है अपनी 1 लीटर। अब 1 लीटर का कंपैरिजन 1.5 से बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये नॉर्मल 1 लीटर नहीं है, ये है अपनी ट्यून्ड जो कि प्रोड्यूस कर रही है 135 से 140 की BHP और 240 Nm का टॉर्क। इसका GT ट्यूनर से OEM प्लस रीमैप हो रखा है, अभी सिर्फ रीमैप है, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर नहीं लग रखा। तो ये अपनी स्टेज वन है, तो जिसकी वजह से इसकी पावर थोड़ी बहुत मैच कर पा रही है वरना से। वरना की पावर है 165 BHP, 260 Nm का टॉर्क। वेट की बात करें उसका भी 1250 kg, इसका भी 1250 kg। ये टॉक कन्वर्टर यूज करती है अपना, तो लॉन्च थोड़ी बेटर होगी, वेरस वो DCT यूज करती है जिसमें हीटिंग इशू बहुत ज्यादा है, हीट से काफी इफेक्ट आ जाता है उसकी परफॉर्मेंस में। तो मेरे हिसाब से पावर टू वेट रेशियो अभी भी वरना का बेटर है, बट फिर भी देखते क्या रहेगा। फर्स्ट राउंड में चलते हैं और आप बताना आपको क्या लगता है। तो चलो शुरू करते हैं भाई फर्स्ट गाइस, राउंड। फर्स्ट राउंड में एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑन, कंफर्ट मोड, और वो भी एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑन, ड्राइव मोड पे है। बाद में हम इसका जो है एसी ऑफ करके स्पोर्ट मोड पे इसको भी डाल देंगे बाद में। अभी तो ये अपना कंफर्ट मोड भी है, तो मतलब दोनों अच्छा दोनों अपनी फुल सेटिंग पे नहीं है अभी, देखते हैं बाकी क्या रहेगा। अबे तो गई वो तो बहुत ही स्पीड से गई, समझ ही नहीं आया भाई। ओके ये क्या हो गया? तो लास्ट चलो मैं इतना रख लेता हूँ, फिर आप ही 1 2 3 कर दो। आप है ना, वहीं से 1 2 3 कर दो, हमें दिख रहा है। तो गाइस वो 1 2 3 कर रहे हैं, देखते हैं। ओ भाई साहब, बड़ा व्हील स्पिन मारा उसने तो। अभी ये तो फिर पकड़ लेगी, अब इसका थोड़ा लैग हो गया ना लॉन्च में, अब ये फिर पकड़ लिया इसने 100 पे। तो कितनी तेज क्रॉस कर रही है उसको। मतलब ही नहीं है भाई, तो बहुत तेज है। कैसे एसी ऑफ है उसका भी, सेम ड्राइव मोड से अब स्पोर्ट मोड पे आ गई है, एसी ऑफ है उसका भी। अब दोनों गाड़ियां फुल पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रही है, बाकी देखते हैं क्या रहेगा। शुरू करते हैं। ओके भाई, लॉन्च तो बहुत एग्रेसिव हो रहा है उस वर्टस का, ट्यून्ड है ना वो, अब तो काफी गैप बना गई क्योंकि इसका भी लैग आया है। अब पकड़ेगी ये बस ये पकड़ना शुरू कर दिया। देखो राउंड 120 125 पे, 125 पे क्रॉस किया है इस बार, ये देखो 125 पे क्रॉस किया है, गैप नहीं बन रहा इस बार। हाँ एक गाड़ी का गैप बना है इस बार, गैप थोड़ा कम बना बिकॉज इसने, हाँ इसमें इसने थोड़ा सा लैग लिया और वो एग्रेसिवली लॉन्च हो गई गाड़ी है ना, वो कहना मैं बबलिंग सी हो रही है, बबलिंग हो रही है गाड़ी हाँ। में करते हैं अब 20 से करेंगे रोल रेस, देखते हैं क्या रहेगा। बीस पे आ गई भाई, ये दो होन देंगे वो। चलो ओ भाई नहीं, मतलब ही नहीं है। अब गैप कैसे बन रहा है ये किस नू, हाँ थर्ड गियर में बनाती है गैप, तो गैप तो बढ़ता ही जा रहा है बहुत ज्यादा, अब तो बहुत बन रहा है। ये तो गाड़ी बबलिंग भी दे रही है, हमने देखा हमने 3 ड्रैग रेस और 1 रोल रेस करी और क्लियरली वरना जो है ना वो इजीली जीत गई। अपनी जो शुरुआत के 2 राउंड थे जब ड्राइव मोड पे थी वर्टस, तब तो 70-80 पे ही क्रॉस कर गई थी, फिर जब इसका स्पोर्ट मोड लगा और उसका लगा अपना ड्राइव स्पोर्ट मोड, तो इसने 125 पे क्रॉस किया वर्टस को, तो फर्क तो आया। लास्ट टाइम 1 लीटर ऑटोमेटिक जो थी ना, जो स्टॉक थी, वो तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रही थी भाई, वो तो बहुत बुरी तरह हार रही थी। ये देखो भाई ये तो घुसेड़ने वाला गाड़ी, वो तो बहुत बुरी तरह हार रही थी भाई वरना से, ये तो फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्लस ना एक पॉइंट के बाद, सर्टेन पॉइंट के बाद ना गैप ना थोड़ा कम रहता है, मतलब उतना ही रहता है, मेंटेन हो जाता है एक टाइम के बाद, जो कि उस स्टॉक वाली के साथ नहीं होता। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना, ये फोर्थ गियर के, ये इसका जो थर्ड गियर का लैग है उसके बाद ये बहुत तेज़ भागती है, तो वो चीज़ है। तो बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इस बड़े से वीडियो के लिए अभी क्लिप बाय।